एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा कि दूल्हे राजा जो है वो स्टेज पे आ चुके थे और डांस वगैरह चल रहा था। उसके बाद हम लोग लेकर के आ गए हैं दुल्हन को और अभी इनकी भी एंट्री होगी, स्टेज में जाएंगी ये। बट थोड़ा सा इमोशनल मतलब माहौल हो गया था यहाँ पर, क्योंकि लगता है सब लोग को इस टाइम पे ना फील होने लगता है या इमोशनल सभी लोग हो जाते हैं, फिर एक को देख देख करके सभी लोग हो जाते हैं। तो मैं भी हो गई थी, बाकी यहाँ पर अभी स्टेज में और यहाँ पर थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस था ब्राइड का, तो उनकी मम्मी के साथ, तो बस उनको बुलाया गया है मम्मी को। दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज में आ चुके हैं, तो अब जयमाला होगा। और धूप ना बहुत तेज थी आज के दिन में, तो हम पीछे चले गए थे, मतलब सभी लोग पीछे थे, लेकिन जब जयमाला होने लगा तो फिर सारे देवर जो है मेरे, और मेरे हस्बैंड भी हैं, दो देवर हैं मेरे, तो वो लोग सब इनको उठा रहे हैं दुल्हन को। देखिए इस तरीके से जयमाला हो रहा है, और दूल्हे राजा को भी उनके फ्रेंड्स ने और जो भी रिलेटिव होंगे, क्योंकि उधर का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं वो सब उन्हें उठा रहे हैं। तो इस तरीके से जयमाला जो है कम्प्लीट हो गया है, और अभी फिर सब लोग करेंगे लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। आई थिंक 2 बज गए थे या 2:30 बज गया था। जयमाले के बाद ना फिर दुल्हन जो है वो येलो कलर की साड़ी पहन के आएगी, क्योंकि बाकी शादी जो होती है ना, फेरे वगैरह और कन्यादान, वो सब हमारी तरफ येलो साड़ी में होता है। तो ब्राइड जो है वो चेंज करने गई है और साथ में दूल्हे राजा भी गए हैं। तब तक यहाँ पर सब लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, और अपनी अपनी टेबल प्लेट सब ने ले रखी है। मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मैंने पहले आयना और यशी को दे दिया, तो मैंने कहा ये लोग आराम से खा लें और उसके बाद फिर मैं तो खा ही लूँगी, ये लोग को पहले फ्री कर दूँ, वरना ये लोग मेरे को साथ में ना खाने नहीं देते, इसीलिए मैंने अपना बाद में खाया पिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी दुल्हन जो है वो आई नहीं है, लेकिन बाकी पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्या कर ले हो? देख ले हो? क्या देख ले हो? नहीं 2000 में नहीं देता था, इनका फोकस ज्यादा कर रहा ना, इनका इन्हीं मेन हम सब हो चुका है, और क्या फोकस आपके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। जब मैं नागपुर जा रही थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा व्लॉग आप शूट करना, क्योंकि मैं तो सब कुछ शूट कर लूंगी, बस खुद को शूट नहीं कर पाऊंगी ज्यादा, तो आप मेरा व्लॉग जो है वो शूट करना। लेकिन पूरी शादी में उनका पता ही नहीं रहा है वो है रहे कहाँ पे है, मतलब मुझे वो ढूंढने से दिखाई नहीं दे रहे थे, बस 1-2 सेकंड के लिए आ जा रहे थे और फिर गायब हो जा रहे थे। तो उन्होंने तो मेरी व्लॉग शूट करने में बिल्कुल हेल्प नहीं की है। मैंने अपने देवरों को पकड़ा था, एक जो अभी बगल में थे वो मेरा छोटा देवर है, और जिसने वीडियो शूट किया है वो मेरे दो देवर हैं, तो उन्होंने शूट किए। और देखिए दुल्हन जो है वो भी आ गई है, तो यहाँ पर हो रहा है कन्यादान करने वाली जो पूजा होती है। तो दुल्हन को बैठाया जाता है मम्मी की गोद में, लेकिन अभी तो गोद में बैठा नहीं सकते, तो बस थोड़ा सा उनके पास में बैठा दिया गया है। और ये मेरे देवर जो हैं वो भी आ गए हैं, तो अब कन्यादान होगा। उनको पानी डालना, ये पानी जगह अमरुदिया फार्म हाउस स्थित एवं गहगुणगढ़ विशेषण विशिष्टायाम मासा नाम मासोत्तमे मासे सुधे मार्गशीर्ष मासे मोहिनी नक्षत्रे साधयोगे भव करणे बाल। कन्यादान होने के बाद फिर दुल्हन आएगी इस साइड पे, दूल्हे के साइड पे,
तो अभी कन्यादान वाला जो प्रोसेस, बाकी पूजा के बारे में तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ें समझा पाऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जितना आता उतना मैं बता दे रही हूँ। तो कन्यादान के बाद उधर साइड से दुल्हन इधर आती है, तो अब इधर दुल्हन बैठ गई है, बाकी अब होगा पैर पूजा की जो रस्म होती है वो हो रही है, तो सबने पैर पूज लिए हैं, अब मैं आ गई हूँ। काशी की बिछिया था भाई, काशी के पुनीत होते हैं, बड़े दो बार लड़की का, तीन बार लड़की। हरि ओम सीतावारखा पादो जिश्वा भूतान त्रिपादश्याम चंद्री त्रिपादुरुदित पुरखा पादो सिहावत पुनत्व विश्रमित राम सासनान सनी अभि ततो विराट जात विराजोत पुरखा से जातो त्रिचत पश्चात भूमि मथो पूरा ही पाव पुछंगी हो जाती है। उसके बाद ये पहनाने के बाद फिर पाव नहीं धुला जाता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। संकल्प है कि हम ये दे रहे हैं, हाथ पे लो पहले, हाथ एक अंगूठा का, दो ये सामान लो, बाद में अभी जो ये सब नीचे कर लीजिए। हाँ ऐसे हरि ओम ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवत महापुरुषोरा कल्पे पूर्वोच्चारण विशेषण चेष्टायाम अमुक गोत्रपन्नो हम अमुक नाम नो हम सा पत्नी को हम हूँ नहीं नाम ले हम तो ये समझेंगे कि उनका नाम हूँ है। सापत्नी को हम बोले कश्यप गोत्राय संदीप नाम के बराय दुभ्य महम संप्रति हाथ चलिए आगे भैया भैया हाथ 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 उषा सहित सब उनको दे दी। चलिए पवित्री निकाल लीजिए, नहीं ना दिया था वो निकल निकल गया। चलिए तो सबने पैर पूजन कर लिया दूल्हा दुल्हन का, उसके बाद अब हो रहा है हवन। हाँ बेटा हवन के बाद फिर लावा परसाई वाली एक रस्म होती है, तो उसमें मतलब लावा दिया जाता है दुल्हन के हाथ में और दूल्हा भी साइड से हाथ लगाते हैं और उसके बाद फिर लावा को ऐसे गिराया जाता है कि जैसे थोड़ा सा वो आग में जाए, मतलब हवन कुंड में जाए, थोड़ा सा उसके बगल में गिरे। तो उसके बाद फिर फेरे होते हैं, तो फेरे अभी ले रहे हैं ये दोनों। फेरों के बाद अब सात वचन देने का टाइम आ गया है, जो दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को देते हैं। तो पंडित जी अब बता रहे हैं क्या क्या वचन होते हैं। थोड़ा सा तेज, सब सुन रहे हैं। माइक ले लूं? हाँ माइक है क्या? सात वचन लड़की के होते हैं, 14 वचन लड़की होते हैं। पहले लड़की का होता है, तो पहले वचन में लड़की क्या होती है? मायादीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि आज की बात कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत व्रत का यानी व्रत करना हो या छोड़ना हो, कोई भी अनुष्ठान करना हो, मंदिर बनवाना हो, बगीचा बनवाना हो, उसमें थोड़ा हल्का कर बहुत भारी मत रखिए। दोनों पकड़ लो वहाँ तक जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए वहाँ गर्म भी होगा थोड़ा आराम से, बस से आप उधर आप इधर सिंदूर बोले रहे हमने स्ट्रोक। हरि ओम शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्राक्षात हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सिंदूर भरने के बाद तो शादी जो है वो संपन्न हो गई है, अब ये दोनों लोग आशीर्वाद लेंगे सबके। और उसके बाद अब एक्चुअली टाइम ना ज़्यादा ही हो गया था, 9 बज गए थे और आज के दिन ही ज़्यादातर लोग को निकलना था, जो लोग जहाँ से आए हैं उन्हें वहाँ वापस जाना है।
तो अब यहाँ पर पूरी फैमिली जो है वो बैठ कर करेगी डिनर और उसके बाद सब लोग निकलेंगे। तो दूल्हा दुल्हन भी है, साथ में मैं भी हूँ और बाकी फैमिली मेम्बर सब लोग हैं। देखिए आयना यशी भी बैठी हुई हैं, उनको खाना तो नहीं है, बस सबके साथ एंजॉय कर रही हैं। डिनर करने के बाद अभी मुझे रूम में जा कर के सारा पैकिंग भी दोबारा से करनी है, जो भी क्योंकि दो दिनों में ना बहुत सामान जो है वो बिखेर दिया है मैंने पूरे रूम में, तो वो सब सामान फटाफट लगाया है, बैग रेडी। और हम लोग देखिए स्टेशन पहुँच चुके हैं, रात ही में निकल आए हैं। चलिए चलते हैं मथुरा और यहाँ पे इन दोनों की देखिए कैसे लड़ाई चल रही है। वैसे अभी तो बहुत प्रोग्राम बचे हैं बट नागपुर में नहीं, अभी शादी हो गई नागपुर में, अब सब लोग वहाँ से निकल लिए हैं और बाकी होगा इंदौर में होगा रिसेप्शन, उसके बाद फिर इलाहाबाद में भी कुछ प्रोग्राम है बट हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि आयना और यशी के पेपर जो है वो स्टार्ट हैं, तो इसलिए फिर हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं है, इनका थोड़ा लॉस हो जाएगा स्कूल का, इसलिए हम लोग वापस आ गए हैं मथुरा। और ये देखिए मथुरा स्टेशन आ गया है, अब चलिए घर चलते हैं। वैसे तो घर ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑटो करके हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अब मेरे डेली व्लॉग जो है वो आपको दिखेंगे, बहुत घूम फिर लिया, वैसे दो दिन थे नागपुर में, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और काफ़ी दिनों से वेट था इस शादी का, तो वो फाइनली हो गई, सब लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हुआ है प्रोग्राम सारा।